जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं में रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए बने नियमों को सख्ती से लागू करके ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीड वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई अमल में लाने के भी निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए पुलिस तथा परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से अभियान संचालित करना होगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। तो जनपद स्तरीय हमारी सड़क सुरक्षा समिति है, उसकी बैठक करते रहते हैं और इसका पर्पस यही है कि हम लोग जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से कम करें और उसमें जो इंजर्ड और हमारे जो डेथ्स होती हैं उसको भी हम लोग कम करें। तो अभी तक जो हमारे पास डेटा है, इस वित्तीय वर्ष में 5 एक्सीडेंट्स हमारे हुए हैं और 3 डेथ्स हुई है, तो उनके कारणों का भी आज यहाँ पे चर्चा हुई है। मैक्सिमम जो कारण यहाँ पे बताए गए हैं वो ड्यू टू ओवर स्पीडिंग के वजह से और जो ड्राइवर की लापरवाही के वजह से हुए हैं। तो मैंने इसमें इनको यही निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमने FIR ऑलरेडी हमने कर दी है, एक उसका जो है फॉलोअप हो जाए और उसका जल्दी से जल्द हमारा जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो संबंध के खिलाफ हो। साथ साथ में हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे कैंपेन चलाए और हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, चाहे हमारे टैक्सीज हों या फिर हमारे प्राइवेट हों, उन सब के लिए हम लोग IEC कैंपेन्स करें और जागरूक करें लोगों को कि ओवर स्पीडिंग पे हमें अपना नियंत्रण, स्पीड पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए और साथ साथ में जो भी रूल्स वगैरह है जो हमें उसका फॉलो करना है उसका भी हम लोग अनुपालन करें। साथ साथ में यहाँ पे क्योंकि रोड सुरक्षा से संबंधित 3 E's होते हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग होता है एक कंपोनेंट, तो उसमें हमारे संयुक्त निरीक्षण होता है सभी रोड्स का और उसमें जो हमारे दुर्घटना प्रभावित या दुर्घटना संभावित जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने वो एक्सरसाइज हमने जनपद में कर ली है और काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी विभाग ने सुधार कर दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में इनके पास पैसे की कमी होने की वजह से वो शासन में इन्होंने एस्टिमेट्स को प्रेषित किया हुआ है, तो जैसे उसमें फंड रिलीज होता है तो उनको भी जल्द से जल्द सुधरवाया जाएगा। इसके बाद में एनफोर्समेंट होता है, तो एनफोर्समेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले एक साल में, लेकिन कुछ एक दो एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी इनको और एनफोर्समेंट करने की आवश्यकता है। उसमें एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो चालान होते हैं वो हमारे यहाँ पे कम हुए हैं, 2 ही केसेस हुए हैं, तो उसको मैंने इनको बोला है कि खासकर हमारे शादी के ओकेजन में या कोई फेस्टिवल के ओकेजन में एक इंटेंसिव जो चेकिंग अभियान चला के और ये चालान किए जाए। इसके बाद में ओवर स्पीडिंग के भी चालान यहाँ पे कम हुए हैं, तो वही मैंने इनको निर्देश यहाँ पे दिए हैं। इसके साथ साथ में और भी पॉइंट्स पे, काफ़ी पॉइंट्स पे चर्चा हुई है यहाँ पे, जैसे रोड साइड कंट्रोल एक्ट के नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे बात हुई है, तो यहाँ पे मुझे अवगत कराया गया है कि रोड साइड कंट्रोल एक्ट में हम लोग रोड्स को इसलिए नोटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका एक पहले डिजिटल मैप बनता है और उसमें काफ़ी खर्चा आता है, 1 किलोमीटर के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो इन्होंने एस्टिमेट्स, मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि उसका एस्टिमेट्स वगैरह हम लोग बनवा लें और राज्य सड़क सुरक्षा समिति है उसके सामने भी ये पुट अप करें कि इसके लिए फंड रिलीज़ करें जिससे हमारी जो मैक्सिमम रोड्स हैं उसको हम लोग इसमें नोटिफाई कर सकें। लास्ट में हमारे यही चर्चा हुई है कि हमारे रोड साइड में जितने भी अतिक्रमण हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करवा के उनको भी हटाने की कार्रवाई करें। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।